उत्तराखंड को बने हुए 20 साल हो चुके हैं और इन 20 सालों में उत्तराखंड कितना बदला है और कितना सजा संवरा है, ये हम आपको लगातार दिखाते रहते हैं। लेकिन सूबे की त्रिवेंद्र सरकार ने अपने गैरसैंण में बजट सत्र के दौरान एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। जी हाँ, अब कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल के साथ गैरसैंण मंडल भी जुड़ गया है, जिसमें कि गढ़वाल से चमोली और रुद्रप्रयाग होंगे, तो वहीं कुमाऊं से बागेश्वर और अल्मोड़ा जिले को भी जोड़ दिया गया है। इस तीसरे मंडल बनने को लेकर क्या है भाजपा और कांग्रेस की राय? आखिर क्या तीसरे मंडल से कितना फ़ायदा मिलेगा और अब कुछ कितना विकास गैरसैंण में हो पाएगा? उत्तराखंड में अब गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल के साथ तीसरा मंडल गैरसैंण भी जुड़ गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस तीसरे मंडल की घोषणा गैरसैंण में बजट सत्र के दौरान की। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पिछली बार की तरह इस बार भी इस बेहद अहम फैसले से विपक्ष को चारों खाने चित्त तो कर ही डाला, बल्कि जनता के सामने अपनी कुशल नेतृत्व क्षमता की भी पैमाइश दिखा दी। नए बने गैरसैंण मंडल में चार जिले लिए गए हैं, जिनमें गढ़वाल से रुद्रप्रयाग और चमोली को, वहीं कुमाऊं से अल्मोड़ा और बागेश्वर को लिया गया है। सबसे अहम बात तो यह है कि इस मंडल में कोई भी भाग मैदानी नहीं, बल्कि सब पहाड़ी क्षेत्र है। हालांकि इस घोषणा के बाद से त्रिवेंद्र सरकार को निश्चित तौर पर एक बड़े बजट की दरकार होगी, जिससे मंडल की सरकारी मशीनरी का खाका तैयार हो सके। तो उन्होंने जो कमिश्नरी का गठन किया है, उससे निश्चित रूप से उन्होंने एक सिद्ध किया है कि ग्रीष्मकालीन जो राजधानी बनाई गई है उसके प्रति भारतीय जनता पार्टी कितनी गंभीर है। यही नहीं, उन्होंने जो वहाँ का रोड मैप तैयार किया है 25,000 करोड़ रुपए के लिए, उसके लिए उसके टाउन प्लानिंग के लिए भी जो है तो उन्होंने निविदाएं आमंत्रित कर दी हैं। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम एक अच्छा ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में एक खूबसूरत शहर गैरसैंण हमको दिखाई देगा। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया, अब सरकार बताए कि ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने के बाद कितने दिन मुख्यमंत्री वहाँ बैठे, कितने दिन मुख्यमंत्री के चीफ सेक्रेटरी वहाँ बैठे, कितने दिन मुख्यमंत्री के तमाम अलग अलग विभागों के सचिव वहाँ बैठे। अरे भाई, ग्रीष्मकालीन राजधानी का क्या मतलब हुआ? ग्रीष्मकालीन राजधानी का मतलब ये होता है कि मुख्यमंत्री और तमाम उनके विभाग के अफसर कम से कम गर्मी में तो वहाँ बैठते, जाकर के पिकनिक ही मना लेते, जाकर वहाँ बैठते। तो अब आपने उसको कमिश्नरी कह दिया, राजधानी बड़ी या कमिश्नरी बड़ी? जब राजधानी घोषित करने के बाद भी आपने वहाँ कुछ नहीं किया तो अब कमिश्नरी घोषित करने के बाद क्या होगा? देखिए, पहले भी जब निशंक जी की सरकार थी तब भी कुछ जिले बने थे, फिर उसके बाद हरीश रावत जी की सरकार आई, कुछ ज़िले बने। ये ज़िले और कमिश्नरी बनती रहती हैं, बातों में घोषणाओं में घोषणाएं होती रहती हैं, होता कुछ नहीं है। क्या आप बता सकते हैं कि उत्तराखंड में दो मंडल हैं, यानी दो कमिश्नरी हैं, कुमाऊं और गढ़वाल? गढ़वाल मंडल कमिश्नरी का जो मुख्यालय है वो पौड़ी है, क्या पौड़ी में कोई कार्यालय है? सारे कैंप कार्यालय देहरादून खुले हैं, यहाँ तक कि पलायन आयोग का कैंप कार्यालय भी देहरादून को कार्यालय भी देहरादून खुला है। कमिश्नरी बनाना अच्छी बात है, लेकिन ये सिर्फ चुनावी जुमला है, चुनावी बजट है, इसके सिवा कुछ नहीं है। जनता परेशान और ज़्यादा होगी। आपने क्या पूछा अल्मोड़ा और रुद्रप्रयाग के लोगों को कि उनको अल्मोड़ा को वाले को नैनीताल पास पड़ता है, रुद्रप्रयाग वाले को पौड़ी पास पड़ता है या गैरसैंण पास पड़ता है? आप लोगों को और ज़्यादा प्रोत्साहित करने की जगह हतोत्साहित कर रहे हैं। असल बात तो ये है कि मंडल बनाने के बाद अब इस क्षेत्र में कितना बदलाव होता है, ये देखने वाली बात रहेगी। गैरसैंण को तीसरा मंडल बनाए जाने को लेकर भाजपा जहां इसे ऐतिहासिक कदम बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इस पर सवालिया चिन्ह भी उठा रही है। कांग्रेस का सीधे तौर पर कहना है कि जहां पहले से ही गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया गया है, तो वहीं गैरसैंण को मंडल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि पहले से ही गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है, तो वहीं गैरसैंण पर राजधानी के हिसाब से काम होना चाहिए। मंडल बनाकर सरकार इस पर बेवजह तूल दे रही है। कैमरामैन प्रदीप इसके साथ संदीप नेगी, जवाहर टीवी, देहरादून।